गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो देख लिया था, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फिनोल्स। एंड फिनोल के अंदर भी देखो हमने थोड़ा सा कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह ये चीज़ हमने देख ली थी, एंड आज हम वापस थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर ही देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर हमारा बाकी था, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसके अंदर हम देख रहे थे सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होगा उसके अंदर देख रहे थे हम, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो अब इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है मतलब कि एक एक OH ग्रुप जो है वो एक OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ होगा, वहाँ पे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। भाई फिनोल पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात होगी, एलिफेटिक की बात तो होने से रही है यहाँ पे, तो एरोमेटिक इन द सेंस जिसके अंदर साइक्लिक चेन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं मतलब कि बेंजीन रिंग पे अगर एक OH प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब उसकी प्रेजेंस कहाँ पे हो सकती है, कि वो मेटा पोजिशन पे है, ऑर्थो पोजिशन पे है, या फिर पेरा पे है, इसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे सबसे पहले बात करें एग्जांपल की, सबसे पहले तो देखो इसके अंदर वन OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अब ये वन OH ग्रुप जो है इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं। जैसे ये है फिनोल है ये मेरा, ठीक है, हिंदी में इसको लिख लेते हैं फिनोल, ठीक है। अब इस फिनोल को और क्या नाम बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम कैसे आया, क्योंकि देखो जब OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस OH फंक्शनल ग्रुप का जो प्रीफिक्स लगता है, पूर्व लग्न, फंक्शनल ग्रुप के दो लग्न लगते हैं, एक अनुलग्न लगता है, एक पूर्व लग्न लगता है, पूर्व लग्न जो कि जो अपना मिड नेम है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसके आगे लगता है तो वो तो क्या है, पूर्व लग्न, और पीछे लगने वाला अनुलग्न। तो जो पूर्व लग्न लगता है इसका OH ग्रुप का वो क्या लगता है, हाइड्रोक्सी लगता है। जबकि IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ तो हाइड्रोक्सी लगता है, लेकिन अगर इसका प्रीफिक्स देखा जाए, मतलब प्रीफिक्स देखा जाए, अनुलग्न देखा जाए, तो वो क्या लगता है, ओल लगता है। क्या लगता है, ओल। ये देखिए फिनोल, फिन के बाद में आ रहा है अनुलग्न,
सॉल्यूशन पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे थ्री टाइप के हमारे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कंपाउंड है, सबसे पहली बात ये है, अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप बाइंड है, जैसे ये CH3 ये OH है, तो इसको क्रिसोल बोलेंगे। देखो भाई मैंने कहा OH ये तो पूरा टोलुइन है, अब इस टोलुइन में प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस के बेसिस पे इसके रेस्पेक्ट के अंदर इसकी ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा हो गई और ये पैरा हो गई। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पे यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी एक पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। और ऑर्थो ऑर्थो का इस टाइप से लिखते हैं इसको ऑर्थो, और हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑर्थो, ठीक है। तो इस ऑर्थो को मैंने शॉर्टली ओ लिख दिया है, तो ये क्या हो गया मेरा, ऑर्थो क्रिसोल। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिसोल, क्रिसोल का फॉर्मूला क्या है वो आपको लिखना है, तो रटना नहीं है। टोलुइन का फॉर्मूला सबको याद है, तो टोलुइन के फॉर्मूले में क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, बस यही मेरा क्रिसोल बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे इसकी जो पेरा पोजीशन आएगी या मेटा पोजीशन आएगी वो देखिए, थ्री के अंदर ये इसकी मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये OH बाइंड है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेटा क्रिसोल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे मेरा होगा देखिए क्या, दैट इज मिथाइल ग्रुप CH3 एंड ये पेरा पोजीशन पे मेरा OH ग्रुप बाइंड है, दैट इज पेरा क्रिसोल। देखिए ये हम पढ़ेंगे जब एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रैक्टिकल्स होगा उसके अंदर मैं आपको एक रिसोर्सिनोल आएगा, वो रिसोर्सिनोल आपको प्रैक्टिकल के अंदर दिया जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और आपको फाइंड आउट करना होगा कि गिवन कंपाउंड क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ, जो आपको गिवन कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है, और उसे आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और वो है तो कौन सा है, डाइओल है या फिर मोनोहाइड्रिक है या फिर कैसा है। तो ये मेरा क्या हो गया, पेरा क्रिसोल। तो रिसोर्सिनोल के अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, तो ये है, आप इन नोट कर लीजिए, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की ही क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्थो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, इस क्रिसोल का दूसरा नाम हो सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है कि, मतलब यहां पे देखो इसको मेन माना है, इसको किसके फॉर्म में माना, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, इसलिए OH का क्या लगाया, अनुलग पूर्वलग लगाया, हाइड्रोक्सी लगाया। अगर इसको मैं फंक्शनल ग्रुप मानूं, मतलब इसको फिनोल मानूं और इसको सब्स्टिट्यूट मानूं, तो क्या होगा, ऑर्थोमेथिल फिनोल। तो देखिए नाम को रटना नहीं है, समझना है। अगर मेन ग्रुप में मानो कि नहीं मेरा मेन जो कंपाउंड है भैया ये इससे अटैच नहीं है, ये अलग है, ये CH3 नीचे जुड़ा हुआ है इससे, याद रखना दोनों को जोड़ मत देना आप, ये CH3 यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, अगर इसको मैं मेन मान रही हूँ और इसको सब्स्टिट्यूट मानूँ, इसको प्रतिस्थापी मानूँ, तो मेरा नाम क्या होगा, ऑर्थोमेथिल, क्योंकि इसकी इस फिनोल की ऑर्थो पोजिशन तो ये दोनों हो गई भाई, इसकी तो ऑर्थो पोजीशन ये है, और मैंने कहा जिसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो इसकी जो नियरेस्ट दो पोजीशन होगी वो ऑर्थो होगी, तो ये ऑर्थो हो गई, तो ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्थोमेथिल और ये फिनोल, ठीक है। अब मैंने माना कि नहीं मेरा तो टोलुइन को मैं मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो मेन प्रोडक्ट मान रही हूँ मैं, वो टोलुइन को मान रही हूँ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में लूंगी, तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या हो गई, ये हो रही है भाई, जो भी मेन होगा उसकी नियरेस्ट पोजीशन जो होगी वो उसकी ऑर्थो पोजीशन होगी, तो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, तो ये क्या हो गई, तो देखो ये तो मेरा टोलुइन हो गया, ये वाला ग्रुप जो है वो तो टोलुइन हो गया, और ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और OH ग्रुप का हमेशा जो प्रीफिक्स लगता है, पूर्वलग्न लगता है, वो क्या लगता है, हाइड्रोक्सी लगता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, बस सिंपल। तो इस टाइप से आप लोगों को याद करना है। अब जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, क्योंकि देखो ये तो हम टोलुइन मान ही रहे हैं, और इसकी ऑर्थो, ये ऑर्थो पेरा और मेटा पोजिशन ही है ही सही, तो ये क्या हो गया, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन क्या हो जाएगा, ये
मेरा हो जाएगा, या फिर मेटा मैथिल फिनोल हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन पैरा मैथिल फिनोल। तो ये तीनों नाम नोट कर लीजिए आप, ये तीनों नाम इसके हैं, इसके भी इसी टाइप से आप यहाँ पे ऑर्थो की जगह मेटा कर लेना इसमें और इसमें पैरा कर लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है वो आपसे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हम बात कर रहे हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, डाइहाइड्रिक एल्कोहल इसके अंदर देखिए भाई एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक की बात होगी, सबसे फर्स्ट देखेंगे इसके अंदर। सपोज यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ये OH फिनोल है भाई, यहाँ पे बनेगा एक तो बनेगा मेरा केटिकोल, ठीक है, एक बनेगा मेरा रिसोर्सिनोल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यही है रिसोर्सिनोल, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल की पर्पज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। एक ये तो है ये वाला फॉर्मूला, और अब देखिए रिसोर्सिनोल का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी याद रखने की ट्रिक भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोजिशन में डिफरेंट है। देखिए ये सब मैंने फिनोल लिख दिए हैं यहाँ पे, और ये मेरा बनेगा यहाँ पे क्विनोल, सॉरी क्विनोन, क्विनोल लिख लीजिए, क्विनोन लिख लीजिए, क्विनोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइहाइड्रिक पढ़ रहे दो OH, अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे OH प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा केटिकोल, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा केटिकोल, अगर इसकी मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो वो रिसोर्सिनोल, और अगर इसकी पेरा पोजिशन पे OH ग्रुप है तो वो कौन सा होगा मेरा क्विनोल। बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले बन गए हमारे, तो फिनोल बना दीजिए और OH लगा दीजिए, कि हमें पता है कि ये तो डाइहाइड्रिक है तो OH ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पे है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो केटिकोल होगा, पेरा पे प्रेजेंट होगा तो किनोल होगा, और मेटा पे प्रेजेंट होगा तो रिसोर्सिनोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल, ये भी तो हो सकता है इसका नाम, तो इसका दूसरा नाम लिख लीजिए आप मेटा हाइड्रोक्सी, सॉरी इसका तो हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, सॉरी क्योंकि देखो ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, अगर बेंजीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसका नाम हो सकता है, और इसका दूसरा नाम हो सकता है आपका बेंजीन 1,2-diol, 1,2-diol, यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्या मान लिया अनुलग्न मान लिया, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया, जबकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को किसके फॉर्म में लिया प्रीफिक्स के फॉर्म में, पूर्व लग्न के फॉर्म में, इसके अंदर क्या हो जाएगा मेटा डाइहाइड्रोक्सी, क्योंकि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे, भाई इसकी देखेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, इसकी देखेंगे सॉरी इसकी ये ऑर्थो पोजीशन हो गई और ये मेटा पोजीशन हो गई, तो इसकी ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, अब इसकी बात करें तो ये तो ऑर्थो हो गई ये मेटा हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटा मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, या फिर बेंजीन 1,2,3 बेंजीन 1,3-diol, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 1,4-diol बेंजीन 1, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। देन इसके बाद देखते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए इसके अंदर यहाँ पे दो लिख लेना भाई, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर मैं मिटाना भूल गई हूँ, यहाँ पे दो लिख लेना,
ठीक है, तीन तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और एक होगा आपका हाइड्रोक्सीक्विनोल, आप देखो हाइड्रोक्सीक्विनोल है। अब क्विनोल का फॉर्मूला क्या था, क्विनोल के फॉर्मूले रटना नहीं है, क्विनोल था, क्विनोल के अंदर क्या था, ये इसका फॉर्मूला था, और यहाँ पे इसके अंदर एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, एक OH ग्रुप हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जबकि जो फ्लोरो होगा उसके अंदर ये तीनों एक दूसरे की किस पे पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, इस टाइप से। ये फॉर्मूला रिसोर्स, ये वाला फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला रिसोर्सिनोल से ही आया है, जबकि पाइरोगोनल के अंदर ये क्या होते हैं, तीनों इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये दोनों आए हैं रिसोर्सिनोल से ही डिराइव हुए हैं, ये हुए हैं रिसोर्सिनोल से, देखिए कैसे बने हैं। देखो ये तो मेरा रिसोर्सिनोल था, यहां देखो इसको भूल जाइए दो मिनट के लिए, ये मेरा क्या था, रिसोर्सिनोल था। अब इस रिसोर्सिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे, भाई इसकी ये भी ऑर्थो है, इसकी ये भी ऑर्थो है, तो किसी भी एक की ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, पाइरोगोनल बन जाएगा। अगर ये रिसोर्सिनोल है, इस रिसोर्सिनोल की जो मेटा पोजीशन है, भाई ये इसके लिए तो ये तो ऑर्थो ऑर्थो हो गई, ये दोनों मेटा हो गए इसके लिए, और इसके लिए ये दोनों ऑर्थो हो गई, ये दोनों मेटा हो गई, तो मतलब रिसोर्सिनोल, इसको भूल जाइए, रिसोर्सिनोल की मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लुसिनोल, ठीक है। तो और इसके अंदर तो ये तो क्विनोल है, इसे इसे भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, और ये है, तो ये तो हो गई दोनों ऑर्थो ऑर्थो वाली पोजीशन, और ये भी ऑर्थो वाली, और ये हो गई मेटा वाली, ठीक है। तो उसे आप नोट कर लीजिए एक बार, देन इसके बाद देखते हैं हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, फिनोल की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग भी देखते हैं उससे पहले, चलो ठीक है, एसिडिक नेचर इसके बाद में लेंगे। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपकी एसिडिक नेचर है वो, एसिडिक नेचर क्या जो भी है।